का संकल्प लिया और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आगे चलकर के राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में काम प्रारंभ किया। योग सहयोग ऐसा अवसर भी आया कि देश आजाद हुआ और आजादी के साथ ही भारत का संविधान बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। भिन्न भिन्न प्रकार की समितियां बनाई गई, उन समितियों ने अपने अपने हरेक एक एक आर्टिकल पर विचार व्यक्त किए और जो अंत में ड्राफ्टिंग कमेटी बनी उसके चेयरमैन डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर साहब बनाए गए, उनके नेतृत्व में भारत का संविधान निर्मित हुआ। भारत का संविधान निर्मित होने के बाद 26 नवंबर 1949 को अम्बेडकर जी के कर कमलों से उस समय के राष्ट्रपति जी को वो भारत का संविधान जो अम्बेडकर जी के अध्यक्षता में बना था वो सरकार को सौंप दिया गया और 26 जनवरी 1950 से वो भारत का संविधान देश में लागू हो गया। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है कि इस संविधान को और संविधान की पुस्तक को जो ओरिजिनल लिखी हुई है उस पुस्तक को गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी जी ने सुरेंद्र नगर एक जिला है उस सुरेंद्र नगर में 1 लाख से अधिक लोगों की रैली आयोजित की। भारत के संविधान को हाथी पर सजा करके रखा गया और शोभा यात्रा निकाली गई और उस शोभा यात्रा में करीब 1.5 किलोमीटर तक प्रधानमंत्री जो आज है उस समय मुख्यमंत्री थे वो स्वयं भी पैदल चले और भारत के संविधान का सम्मान करने का काम उन्होंने किया, देश को एक प्रेरणा दी और सहयोग से वो देश के प्रधानमंत्री बने। तो प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत के संविधान का निर्माण जब हुआ था और भारत के संविधान को उस समय सरकार को सौंपा था 26 नवंबर को, उसी 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय हुआ और मुझे खुशी है कि संविधान दिवस के अवसर पर ही ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं आयोजकों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये संविधान दिवस पिछले 3 वर्षों से लगातार संसद में भी मनाया गया मनाया जा रहा है। क्योंकि इस बार संसद का सत्र नहीं है इसलिए राष्ट्रपति जी ने 25 तारीख को अर्थात 25 नवंबर को 26 नवंबर की पूर्व संध्या पर इस संविधान दिवस के अवसर पर ही राष्ट्रपति भवन में बहुत लोगों को आमंत्रित किया था और भोज किया था और आज और गए कल ये संविधान दिवस के इस शुभ अवसर पर यहाँ ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आप और हम सब जानते हैं कि भारत के संविधान ने समस्त लोगों को समान अधिकार देने का प्रावधान किया गया और समान अधिकार के साथ साथ जो सामाजिक विषमताएं हैं उनको दूर करने के लिए विशेष उपाय भी किए गए हैं, विशेष प्रावधान भी किए हैं और उन विशेष प्रावधानों के आधार पर आप और हम सब मिलकर के तेज गति से विकास के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। उस समय की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में बहुत बड़ा अंतर आया है पर यह अंतर पूर्ण रूप से आ जाए, समता आ जाए, समरसता आ जाए तब तक हमको इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहने की आवश्यकता है। एक बैठक में मैंने जब ये विषय उठाया कि भाई समता के साथ साथ समरसता भी आना चाहिए तो कुछ लोगों को इस पर प्रश्न चिन्ह लगा और उन्होंने कहा साहब समता के बाद समरसता की क्या आवश्यकता। तो मैंने उनको कहा कि समता का अर्थ ये है कि समानता आ गई, मान लो 50 लोग उसमें 10 SC के 10 ST के 10 OBC के और 20 और अन्य वर्गों के IAS IPS बन गए, वेतन भत्ते एक हो गए, बंगला प्राप्ति की पात्रता एक जैसी हो गई, परंतु जो भेदभाव है जो मन में ऊंच नीच की सोच है
वो इससे दूर हो गई ये नहीं माना जा सकता है। और बहुत सारे लोग ऐसा अनुभव करते हैं सेवाओं के द्वारा कि साहब हम आईएएस तो बन गए, आईपीएस तो बन गए, परंतु बड़ी संख्या में दूसरे लोग हैं वो हमारे साथ समता का व्यवहार तो कर लेते हैं पर समरसता का वातावरण नहीं बना पाते। समरसता का मतलब है जैसे पानी में शक्कर डाल दो, दूध में शक्कर डाल दो तो शक्कर दिखती तो नहीं है पर उसमें मिठास आ जाती है, चाहे पानी हो या दूध हो उसमें मिठास आ जाती, ऐसी समरसता की आवश्यकता है। अर्थात इक्वलिटी और इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी जब तक नहीं आएगी समता का महत्व भी कम होगा। पूर्णतया हमको न्याय मिला है ये तभी माना जा सकता है जब समरसता आ जाएगी, ऊंच नीच समाप्त हो जाएगी, भेदभाव समाप्त हो जाएगा, जातिगत सोच समाप्त हो जाएगी, इस प्रकार का वातावरण बनाने की आवश्यकता है। और मैं सोचता हूं कि हम निरंतर अगर प्रयास करते रहेंगे तो इस प्रकार का वातावरण बनेगा। बहुत सारे लोग भिन्न भिन्न प्रकार की बातें करते रहते हैं, आज वो समय नहीं कि मैं विस्तार से उसके बारे में बताऊं, पर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने अम्बेडकर जी को, सरदार पटेल को और महात्मा गांधी को सर्वाधिक सम्मान देने का काम किया। अम्बेडकर साहब की 125वीं वर्षगांठ साल भर तक धूमधाम से मनाई गई, इसके पहले 100वीं वर्षगांठ भी थी और 125वीं वर्षगांठ साल भर तक कार्यक्रम आयोजित करके मनाई। आपको याद होगा देश की आजादी के बाद पहली बार 26 जनवरी 2015 को अम्बेडकर जी के जीवन परिचय पर आधारित एक झांकी राजपथ पर जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का समारोह होता है उसमें अम्बेडकर जी के जीवन परिचय पर आधारित एक झांकी निकाली गई। ये पहली बार आजादी के बाद पहली बार ये झांकी निकाली गई, ये इस बात का प्रतीक है कि हम अम्बेडकर जी को सम्मान देते हैं, अम्बेडकर जी की सोच को अंगीकार करते हैं और आवश्यकता महसूस करते हैं कि उस सोच को आचार विचार संस्कार में भी लाए, तभी ये समता समरसता का वातावरण बनेगा। अम्बेडकर जी से संबंधित 5 प्रमुख स्थानों पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पंचतीर्थ के रूप में घोषित किया है और ये पंचतीर्थ है जन्मभूमि इंदौर जिले का, आजकल उसका नाम अम्बेडकर नगर है पर वो पहले महू के नाम से जाना जाता है। मैं भाग्यशाली हूँ 90 से 92 के बीच में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, पटवारी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और मैं उनके साथ राज्य मंत्री के रूप में काम करता था। पटवारी ने कहा था वतन जन्मभूमि है अम्बेडकर जी की, वहाँ हमको भव्य स्मारक बनाना है, जमीन रक्षा मंत्रालय के कब्जे में है वो मकान, रक्षा मंत्री से बोले मेरी बात हुई है, शरद कुमार जी थे, मुझे एक पत्र दिया, मैं दिल्ली आया उनसे मिला, उन्होंने वो जमीन मध्य प्रदेश की सरकार को हैंड ओवर की और उसी समय 10 करोड़ से अधिक की लागत की भव्य स्मारक बनाने की स्वीकृति हुई थी और 1991 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के हाथों मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री सुंदरलाल जी पटवा की अध्यक्षता में वहाँ निर्माण कार्य का भूमि पूजन हुआ था। बाद में वो सरकार चली गई, 10 साल तक उस पर कोई काम नहीं हुआ, फिर से जब भाजपा की सरकार बनी तो उमा भारती जी, बाबूलाल जी गौर और शिवराज सिंह जी ने 14 करोड़ से अधिक की लागत लगा करके वहाँ भव्य स्मारक बनाया और पिछले 10 सालों से वहाँ अम्बेडकर महाकुंभ अम्बेडकर जयंती पर आयोजित होता है, लाखों लोग आते हैं, खर्चा आने जाने का तो स्वयं लोग आने वाले करते हैं पर वहाँ ठहरने का और भोजन आदि की व्यवस्था मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा की जाती है। उस जन्मभूमि को उसके बाद में शिक्षा भूमि, ब्रिटेन में जिस
मकान में रह करके पढ़ाई की थी, उसको फिर दीक्षा भूमि नागपुर को और महापरिनिर्माण भूमि छत्तीस अलीपुर रोड को और चैत्य भूमि जहाँ अंतिम संस्कार हुआ था, इन पांच स्थानों को पंचतीर्थ घोषित किया है और इन पांचों स्थानों पर भव्य स्मारक बनाने के लिए बड़ी कार्य योजना बनी है। प्रधानमंत्री जी के हाथों से भूमि पूजन हुआ है। 26 अलीपुर रोड जनवरी तक पूर्ण हो जाएगा बन करके। संविधान की जो जैसा उसका आकार है, आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आप दिल्ली में पधारे हुए हैं, 26 अलीपुर रोड जा करके देख करके जाएंगे तो आपको बड़ी प्रसन्नता होगी। संविधान की बुक जैसे ही बिल्डिंग बनी है वो अंतिम चरण में है, दो महीने बाद वो पूर्ण हो जाएगी और उसका लोकार्पण भी हो जाएगा। इन पंचतीर्थ स्थानों के साथ साथ वो जो चैत्य भूमि है उसके पास में हिंदू मिल जो बंद पड़ी थी उसकी जमीन को भी अधिग्रहित किया महाराज की सरकार ने और वहां भी भव्य स्मारक बनाने का काम प्रारंभ है। एक और काम हमने किया है, अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान प्रशिक्षण के इंटरनेशनल स्टडी सेंटर, ये 15 जनपद, आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगा, आप सबसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप बहुत ज्यादा दूर नहीं है, पास में 15 जनपद ली मेरिडियन होटल के बगल में 192 करोड़ की लागत से भव्य अंतर्राष्ट्रीय स्टडी सेंटर बना है। भविष्य में मैं बोल रहा था अटवाल साहब को कि साहब अभी तो आपने ये कार्यक्रम यहाँ कर लिया है, भविष्य में कार्यक्रम करना हो तो आप वहाँ करेंगे। 700 सीट की कैपेसिटी वाला एक ऐसा ही भव्य हाल वहाँ बना है, बाकी 100 कैपेसिटी में दो हाल और बने हुए, भविष्य में इस प्रकार के कार्यक्रम हम वहीं करेंगे, आप जरूर देखें। अब ये पंचतीर्थ बनाने का काम पहले भी किया जा सकता था, क्यों नहीं हुआ मैं नहीं कहता, उसके बारे में कुछ बोलने की आवश्यकता महसूस नहीं करता, परंतु इतना जरूर बताता हूँ कि हमने अम्बेडकर जी का अनुसरण किया है, अम्बेडकर जी की सोच का अनुपालन किया है, उस पर चलने का प्रयास भी हम कर रहे हैं और उस पर चलते हुए अम्बेडकर जी की सोच को साकार रूप देने का भी हम प्रयास कर रहे हैं और ऐसे में आप सबका सहयोग अपेक्षित है, समर्थन अपेक्षित है। दूसरा विषय है, इस विषय में कहने के लिए तो मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ परंतु समय की मर्यादा है। हमने अम्बेडकर जी की जब 125वीं वर्षगांठ मनाई तो 100 छात्र छात्राओं जो भिन्न भिन्न संस्थाओं में पढ़ते हैं और मेरिट में आए हैं उनको 50-50 के चार ग्रुप बना करके, अम्बेडकर जी ब्रिटेन में पढ़े थे, कैलिफोर्निया में पढ़े थे, वहाँ पर 50-50 के ग्रुप में उनको भेजा था और वो वहाँ देख करके आए हैं। उस यूनिवर्सिटी में भी गए जहाँ अम्बेडकर जी पढ़े थे, वहाँ के लोगों के साथ गेट टुगेदर किया है, विचारों का आदान प्रदान किया है, संगोष्ठी में भाग लिया है और बहुत अच्छा अनुभव आया है। मैं आपको ये और बताते हुए खुशी जाहिर करना चाहता हूँ कि पिछले साल अम्बेडकर जी की जो 125वीं वर्षगांठ मनाई थी वो और पिछले साल अम्बेडकर जी की जयंती लगभग 110 देशों से अधिक देशों में भारत सरकार के जो दूतावास है उनके माध्यम से कार्यक्रम आयोजित करके जयंती मनाने का काम किया गया और ये निरंतर हमेशा जारी रहने वाला है। हम इस प्रकार का काम पहले भी कर सकते थे, देर आए दुरुस्त आए हम कर रहे हैं, आगे भी ये कार्यक्रम जारी रहे इस प्रकार का वातावरण बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। फिर कौशल प्रशिक्षण, अब कौशल प्रशिक्षण की दृष्टि से कौशल विकास की दृष्टि से प्रधानमंत्री जी ने एक नया विभाग बनाया, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, और उस विभाग के माध्यम से देश भर में ऐसे लोग जो कौशल प्रशिक्षण लेना चाहते हैं उनको कौशल प्रशिक्षण देने का प्रयास किया जा रहा है। फिर भिन्न भिन्न योजनाओं में नौकरी देने का भी प्रयास किया जा रहा है, उनको एंटरप्रेन्योर्स बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उनको कारोबारी बनाने का प्रयास किया जा रहा है,
नौकरी के लिए इधर उधर भटकने की बजाय वो स्वयं मालिक बन जाए और चार और लोगों को नौकरी दे दे, इस प्रकार का प्रयास करने का काम किया है। और मैं ये कह सकता हूँ कि लाखों लोगों को ये कौशल प्रशिक्षण देने का काम किया है। मुझे ये बताते हुए भी खुशी है कि मेरे विभाग में भी अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम है, अनुसूचित जाति सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम भी है, पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम भी है और दिव्यांग वर्ग वित्त विकास निगम भी है। और इन चारों वित्त विकास निगमों के माध्यम से हम कौशल प्रशिक्षण देते हैं। इन 3 सालों में हमने 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को कौशल प्रशिक्षण दिया है और 7.5 लाख लोगों को 4% और 5% वार्षिक ब्याज की दर पर, और महिलाएं हैं तो 3.5% और 3% वार्षिक ब्याज की दर पर करोड़ों रुपए की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई है और उद्यमिता के क्षेत्र में प्रवेश दिलाने का काम किया है। पहले वो नौकरी के लिए इधर उधर घूमते थे, तलाश में घूमते रहते थे, अब स्वयं मालिक बनकर के 4 और लोगों को नौकरी देने वाले हो गए। इस प्रकार का वातावरण बनाने का हमने प्रयास किया है और उद्यमिता के क्षेत्र में प्रवेश करने की दृष्टि से वेंचर कैपिटल फंड नाम का की एक योजना बनाई है, उसके माध्यम से भी हम सुविधा देते हैं। इसी हाल में लगभग 2000 अनुसूचित जाति वर्ग के उद्यमिता के क्षेत्र में लगे हुए उद्योगपतियों का बड़ा सम्मेलन हुआ था और उस सम्मेलन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं आए थे और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था, बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ था और उससे सारे देश में उद्यमिता के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए लोगों को प्रेरणा मिली है। उद्यमिता के क्षेत्र में प्रवेश के लिए पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, पूंजी निवेश के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना प्रारंभ की है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना प्रारंभ की है। अभी प्रधानमंत्री जनधन योजना बिना पैसे जमा कराए बैंक में अकाउंट खोलने का प्रावधान, दुनिया का पहला देश है कि बिना पैसा जमा कराए बैंक में अकाउंट खोल रहा है। और केवल अकाउंट ही नहीं खुल रहा है तो उनको 5000 रुपए निकाल करके लेन देन करने का, घरेलू कामों में उपयोग करने का अधिकार भी है। और अगर अकाउंट ठीक से मेंटेन हुआ है तो 6 महीने बाद 5000 की बजाय 10000 रुपए तक की लेन देन का और अपने घरेलू कारोबार में छोटे मोटे काम करने के लिए उसको उपयोग करने का अधिकार है। ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 10 लाख रुपए तक के ऋण की सुविधा इसमें है और इस योजना के माध्यम से जो ऋण लेना चाहते हैं उनको कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार की संपत्ति मॉर्गेज करने के इसमें प्रावधान नहीं है। अर्थात बिना संपत्ति गिरवी रखे बिना गारंटी दिए 10 लाख रुपए तक का लोन लेने का अधिकार है। फिर इसके साथ ही साथ स्टैंडअप योजना और स्टार्टअप योजना भी प्रारंभ की गई है और मैं सोचता हूँ कि इन योजनाओं के माध्यम से लगभग 1 करोड़ से अधिक लोगों को लाभान्वित करने का काम इन पिछले 3 वर्षों में हुआ है। मैं मेरे अनुभव से मैं ये बता सकता हूँ कि शैक्षणिक दृष्टि से सुधार करने के लिए हम प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप देते हैं, विदेश में जाने के लिए पढ़ाई करने की दृष्टि से जो जाते हैं ओवरसीज स्कॉलरशिप भी देते हैं, विशेष डिग्री हासिल करने के लिए फेलोशिप योजना के अंतर्गत भी आर्थिक सहायता देते हैं, इतना ही नहीं तो हम फ्री कोचिंग भी देते हैं। जैसा मैंने कहा था कि आज का विषय है शिक्षा, तो शिक्षा में हमने ये सुधार किया है। दिव्यांगजनों के बारे में भी मैं उल्लेख करना चाहूँगा, 2014-15 के पहले किसी को भी दिव्यांग छात्र छात्राओं को किसी भी प्रकार की कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती थी। 14-15 से हमने ये चारों पांचों स्कॉलरशिप प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक ओवरसीज स्कॉलरशिप फेलोशिप और फ्री कोचिंग की सुविधा देने का काम किया है। कुल मिलाकर के हर क्षेत्र में हमने ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है। मेरे मंत्रालय ने इन 3 वर्षों में 5 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए हैं। कुल मिलाकर के हमारे मंत्रालय के माध्यम से हमने मंत्रालय की तो पहचान देश और दुनिया में बनाई है, परंतु अपने देश में भी छात्र छात्राओं को
शैक्षणिक सुविधा की दृष्टि से पहले की तुलना में ज्यादा सुविधा देने का काम किया है। मैं आज के इस अवसर पर आप सब बड़ी संख्या में आए, आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं, और आप सब ने मेरे बात को शांतिपूर्वक सुना, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। मेरा विचार, मेरी वाणी यही समाप्त करता हूं। आप सबको स्वागत। जय हिंद, जय भारत।